तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की जो बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। आपको बता दें कि गौरव वल्लभ ने इस्तीफा दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, गौरव वल्लभ ने कांग्रेस पार्टी को दिशाहीन बताया है और कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा का ऐलान किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस छोड़ी है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा का ऐलान किया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कपिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गौरव वल्लभ ने पार्टी छोड़ी है, क्या जानकारी? उदयपुर से विधानसभा चुनाव गौरव वल्लभ लड़ चुके हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी गौरव वल्लभ रहे हैं। इस वक्त की यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और गौरव वल्लभ ने कांग्रेस पार्टी को दिशाहीन बताया है, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा का ऐलान किया है। लोकसभा का चुनाव और उससे पहले देखिए कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस छोड़ी है, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा का ऐलान किया है। ये बड़ी जानकारी क्योंकि आपको बता दें कि अब जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, कांग्रेस के कई बड़े कद्दावर नेता अब पार्टी छोड़ते हुए नजर आए, दल बदल की राजनीति भी देखने को मिल रही है और इसी बीच कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव से पहले आपको बता दें कि पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा का ऐलान गौरव वल्लभ ने किया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कपिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस छोड़ी है, एक बड़ा झटका, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए गौरव वल्लभ ने कुछ ही समय पहले सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट की और उसके मार्फत सार्वजनिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि वे कांग्रेस के वर्तमान स्टैंड पर असहज महसूस कर रहे हैं और इसीलिए पार्टी के सभी पदों से, सभी स्वरूपों से, प्राथमिक सदस्यता से वे इस्तीफा दे रहे हैं। मुख्य रूप से उन्होंने जो लेटर पोस्ट किया उसका सारांश की अगर बात करें तो उनका मानना है कि पार्टी पिछले कुछ समय से धार्मिक और आर्थिक मामलों में जिन स्टैंड को ले रही है उसमें वे असहज महसूस कर रहे हैं। पार्टी धार्मिक और आर्थिक मामलों में दिशाहीन नजर आ रही है और यही वजह है कि वे अब पार्टी के सदस्य नहीं रह सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे पार्टी के जब सदस्य बने थे तो उनका मानना था कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है जो कि एक सही दिशा पर चल रही है, लेकिन पिछले कुछ समय से पार्टी वर्तमान युवाओं के जो विचार है उसके साथ में एडजस्ट करने में असफल रही है। और उन्होंने ये पत्र कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा है, उसमें राम मंदिर को लेकर जो पार्टी का स्टैंड रहा है उसका भी जिक्र किया है। तो दूसरा, आर्थिक मसलों को लेकर जो पार्टी का स्टैंड रहा है मुख्य रूप से उसका भी जिक्र किया है और उन्होंने साफ साफ शब्दों में लिख दिया है कि पार्टी दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है और अब वे इस दिशाहीन पार्टी में खुद को सहज महसूस नहीं कर रहे हैं और सनातन विरोधी नारे वे लगातार नहीं लगा सकते। साथ ही देश में वेल्थ क्रिएटर को गाली वे नहीं दे सकते और इसीलिए पार्टी के सभी पदों को प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। आप देखिए, गौरव वल्लभ का उदयपुर से विशेष नाता रहा है क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में उदयपुर लोकसभा विधानसभा सीट से कांग्रेस ने गौरव वल्लभ को प्रत्याशी बनाया था। गौरव वल्लभ उदयपुर से चुनाव लड़ चुके हैं और साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस के, तो कांग्रेस पार्टी का छोड़ना कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़े झटके के रूप में सामने आ रहा है। जी बिल्कुल कपिल, कांग्रेस को ये बड़ा झटका क्योंकि पिछले दिनों से जो तस्वीरें निकल करके सामने आई, कल ही हमने देखा था कि कई बड़े कद्दावर नेता बीजेपी में शामिल हुए। अभी कोई जानकारी है क्या कपिल आपके पास कि गौरव वल्लभ ने पार्टी छोड़ी है, क्या किसी और पार्टी को वो ज्वाइन कर सकते हैं, इसको लेकर के कोई जानकारी? देखिए, अभी ये स्पष्ट नहीं किया गया है, कुछ समय कुछ मिनटों पहले ही ये पोस्ट सोशल मीडिया पर की गई है और सोशल मीडिया के मार्फत ही ऐलान किया गया है। हालांकि हमने गौरव वल्लभ से बात करने की भी कोशिश की लेकिन संपर्क फिलहाल नहीं हो पाया। हम लगातार कोशिश करेंगे ये जानने की कि आगे उनका क्या स्टैंड रहने वाला है क्योंकि कांग्रेस पार्टी को तो वे सार्वजनिक रूप से ऐलान कर छोड़ चुके हैं, लेकिन आगे वे क्या दूसरी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, किस पार्टी में जाने का मानस बना चुके हैं या फिर आगे उनका पॉलिटिकल कैरियर वे किस तरह से देख रहे हैं, ये जानने की जरूर उनसे कोशिश करेंगे, संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इस तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। बिल्कुल, और देखिए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी गौरव वल्लभ रह चुके हैं कपिल, और कई मुद्दों को वो बारीकी से उठाते हुए नजर आए थे और युवाओं में भी अच्छी पकड़ रखते हैं।
कपिल, देखिए एक बड़े नेता कह लीजिए गौरव वल्लभ, और अब जिस हिसाब से बड़े जो कद्दावर नेता है वो कांग्रेस का दामन थामते छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं या तो अन्य पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, डैमेज कंट्रोल कैसे किया जा रहा पार्टी में? देखिए बिल्कुल लगातार कांग्रेस पार्टी को बड़े झटके मिल रहे हैं। दूसरा, अगर हम गौरव वल्लभ की बात करें तो आप देखिए कि आर्थिक मामलों में बहुत साउंड थे, बहुत ज्यादा इन्हें नॉलेज था, वित्त के ये फाइनेंस के प्रोफेसर थे, तो एक बड़े जानकार व्यक्ति, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल व्यक्ति ने कांग्रेस छोड़ी है, तो ये बड़ा झटका। और लगातार अगर हम दूसरे नेताओं की भी बात करें तो कांग्रेस पार्टी के दामन से वे खुद को अलग करते हुए नजर आ रहे हैं, और कांग्रेस भले ही डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की बात कर रही हो लेकिन जमीनी स्तर पर कोई तो बड़ी सफलता कांग्रेस को नहीं मिल पा रही है, क्योंकि बड़े नेताओं के कांग्रेस छोड़ने के बाद में कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही थी कि और कांग्रेस पार्टी के नेता पार्टी से अलग ना हो, लेकिन आज देखिए कि गौरव वल्लभ जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के स्टैंड को कई बार सार्वजनिक तौर से वे पुरजोर तरीके से जनता के सामने रखते आए, लेकिन अब वे कांग्रेस पार्टी के स्टैंड से खुद को सहज महसूस नहीं कर रहे हैं, पार्टी को खुद ने दिशाहीन बताया है। धार्मिक और आर्थिक मामले में पार्टी का जो स्टैंड है उससे खुद ने जो गौरव वल्लभ है उन्होंने किनारा कर लिया है, तो निश्चित तौर पर ये जो घटनाक्रम लगातार हो रहे हैं उससे ये साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी डैमेज कंट्रोल करने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, और कपिल उदयपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं, हालांकि वो हार गए, और वो तस्वीरें हमने दिखाई थी अपने दर्शकों को जब वो पूर्व सीएम अशोक गहलोत के साथ नजर आए थे, जनसभा करते हुए नजर आए थे, कई मुद्दों को उन्होंने बारीकी से उठाया था। कपिल, अभी कोई और अपडेट निकल करके सामने आई है? जैसे कि आपने कहा कि बातचीत करने की कोशिश की गई है लेकिन अभी उनसे बातचीत नहीं हो पाई हो, क्या जानकारी और है? और लगातार इस तरीके की भाषा जो प्रयोग की जा रही है, जो बड़े कद्दावर नेता कांग्रेस में रहे तब उनके साथ वो जनसभा करते हुए नजर आए, कपिल जैसे कि ये पहुंचते गए, लेकिन जैसे ही पार्टी छोड़ते हैं उसके बाद से पार्टी में ये कहते हैं कि उपेक्षा उनकी की जाती है। आप देखिए कि जब से राम मंदिर मुद्दे में कांग्रेस का स्टैंड सामने आया है उसके बाद में जितने भी कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी छोड़ी है उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि राम मंदिर पर जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड रहा है उससे वे असहज हैं, उस स्टैंड से वे नेता जो है वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं। गौरव वल्लभ ने भी इसी तरह की बात कही है, और भी कई कांग्रेसी नेताओं ने जो पार्टी छोड़ी थी उनका राम मंदिर मुद्दे को लेकर स्पष्ट कहना था कि धार्मिक मामले में कांग्रेस पार्टी लगातार दिशाहीन होती जा रही है, जो जनता को स्वीकार है वो कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं कर रही है, और यही वजह है कि नेता जो है वो कांग्रेस पार्टी से अलग हो रहे हैं। बिल्कुल, और कपिल जिस हिसाब से पार्टी में ये लगातार एक्टिव नजर आए और लगातार जब भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते किसी मुद्दे को उठाते तो पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ पूरे डिटेल्स के साथ ये अपनी बातों को रखते, एक बड़ा झटका कांग्रेस को यहाँ पर लगा है। कपिल, क्या अभी किसी नेता का बयान सामने आया है, कुछ कहा है किसी ने? देखिए अभी फिलहाल चंद मिनट हुए हैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफे का ऐलान किए हुए, सार्वजनिक तौर से सोशल मीडिया पोस्ट के मार्फत ये ऐलान किया गया, तो अभी रिएक्शन आने शुरू होंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी पहले ये कह चुकी है कि जो लोग जाना चाहते हैं वे पार्टी छोड़कर जा सकते हैं, जो बचे हुए लोग हैं वे पार्टी को फिर से खड़ा करेंगे, लेकिन बड़े नामों का पार्टी से जाना निश्चित तौर पर पार्टी की लोकसभा चुनाव क्योंकि बेहद नजदीक है तो ऐसे में पार्टी को बड़े झटके के तौर पर है। जनता के बीच में ये माहौल बनता हुआ नजर आता है कि जो बड़े नेता पार्टी के हैं वो खुद पार्टी से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, तो वोटर के बिल्कुल कपिल कांग्रेस को ये बड़ा झटका है। अब देखना होगा कि कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि लगातार बड़े कद्दावर नेता कांग्रेस का दामन छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप नजर बना करके